वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक और घोषणा कर दी है, जिसमें कहा गया है कि स्नातक पास यानी बीए पास जितनी भी लड़कियां हैं 2020-21 के, उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा और इंटर पास लड़कियों को 25,000। जी हाँ दोस्तों, ये योजना पहले से ही चल रही थी जिसमें बीए पास वाले छात्राओं को 25,000 दिया जाता था और इंटर पास लड़कियों को 10,000 दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 और 25,000 कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपको नीतीश कुमार के द्वारा ही शुरू किया गया था कन्या उत्थान योजना। इसमें 0 से लेकर 18 वर्ष तक जितने भी छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए योजना है ये। यहाँ पे देख सकते हैं कन्या उत्थान योजना के जन्म पर 2,000, कन्या के 1 वर्ष होने पे 1,000। तो ये सब तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन पहले यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया था कि इंटरमीडिएट जितने भी छात्राएँ हैं, अविवाहित छात्राएँ हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, उन लड़कियों को 10,000 दिया जाता है इंटर पास करने के बाद, चाहे वो कोई भी डिवीज़न हो। और महिलाओं को जो स्नातक पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, उन छात्राओं को 25,000 दिया जाता है। ठीक है, तो ये योजना में अब बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे अब 25 के जगह 50 कर दिया गया है, 50,000, और यहाँ 10,000 के जगह 25,000 कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। मैं आपको क्या है पूरी खबर ये भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कन्या उत्थान योजना की वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जो 2020 के हैं भरना चाहते हैं तो वो लोग भर सकते हैं। आप यहां पे आएंगे, ई कल्याण की वेबसाइट पे देख सकते हैं, edu.dbt.bih.nic.in के वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहां पे 2020 का लिंक दिया गया है। जो इंटरमीडिएट पास हैं छात्राएं, उनको 25,000 दिया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन करने का, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, ये लिंक खुल जाता है और यहां से आप ऑनलाइन कर पाएंगे। देखिए, ऑनलाइन का लिंक यहां पे दिया गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई करने पे क्लिक करिएगा तो आप अपना ऑनलाइन वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये थी वेबसाइट जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको आज का अखबार दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान, 15/10/2020, आपको डेट दिखाई दे रही होगी, 15/10/2020 की ही ये तारीख है, पटना, गुरुवार, 15/10/2020 की ही अखबार है, प्रभात खबर। यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे ही आएंगे तो देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा ही घोषणा किया गया है। देखिए, ये रहा, स्नातक पास युवती को अब 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और एक बड़ी घोषणा है, देखिएगा क्या दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बालिका इंटर पास करती है तो 10,000 और स्नातक होने पर 25,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। अभी के योजना में इतना दिया जाता है, लेकिन अब इंटर पास युवती को 25,000 और स्नातक पास को 50,000 देंगे। तो ये नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि इंटर पास युवती को 25,000 और स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास युवती को 50,000, लेकिन ये 2020 से लागू होगी। ठीक है, 19 से नहीं, 19 वालों को जो पहले था वही रहेगा, और 20 से के बाद जो जितने भी पास करेंगे उन लोगों को इतना बढ़ा हुआ राशि मिलेगा, यानी 25,000 और 50,000। तो ये खुशखबरी थी, प्रत्येक कार्यालय में आरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। तो यानी जितने भी बिहार सरकार के ऑफिस हैं, सरकारी विभाग हैं, उसमें सभी में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये कहा गया है नीतीश कुमार जी के तरफ से। अब सभी विभागों में महिला कर्मी की नियुक्ति की जाएगी, सभी विभाग, जितने भी विभाग हैं बिहार सरकार में, उस सभी विभाग में महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार SC ST से आने वाले को उद्योग के लिए बिना ब्याज के कर्ज मुहैया कराया जाएगा। यानी जो SC ST से संबंधित हैं, उन लोगों को बिना ब्याज के ही कर्ज दिया जाएगा बिजनेस के लिए। ठीक है, उद्योग के लिए। तो और हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, पानी पहुंचाएंगे, ये लक्ष्य नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। कल के विधानसभा चुनाव प्रचार में ये कहा गया था, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो नीतीश कुमार कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। इनमें एक बात यही को अच्छा है कि जो कह देते हैं वो कर देते हैं।
बाकी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ये अभी इंटर का दिया गया है, ग्रेजुएशन वाले का नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का अभी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो पाया है कोरोना के कारण, तो बीए वाला बाद में आएगा, लेकिन इंटर वाला अभी भी हो रहा है, तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला लिंक अभी नहीं दिया है, ग्रेजुएशन वाला 2019 वाला है, तो 2019 में अगर आपने नहीं किया था ऑनलाइन तो कर सकते हैं, इसमें आपको 25,000 मिलेगा, ठीक है। 19 में जो पास किए हैं उनको 25,000, लेकिन जो 20 में पास कर चुके हैं उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। 2020 में जिन्होंने पास किया है ग्रेजुएशन उनको 50,000 रुपया मिलेगा 2020 वालों को, और 2019 वालों को 25,000। तो ये थी खबर। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।